नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनेस्थेशिया के बारे में। दोस्तों, एनेस्थेशिया का शाब्दिक अर्थ होता है संवेदना में कमी होना। जिन दवाओं का उपयोग इसके लिए किया जाता है उनको एनेस्थेटिक कहते हैं और एनेस्थेटिक का उपयोग जांच और सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान शरीर के किसी भाग में संवेदना को सुन्न करने या फिर रोगी को सुलाने के लिए किया जाता है। एनेस्थेटिक देने से उपचार के दौरान रोगी को दर्द और असुविधा नहीं होती है तथा कई प्रकार की मेडिकल प्रक्रियाओं को करने में आसानी होती है। एनेस्थेटिक के आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले दो प्रकार होते हैं, एक होता है लोकल एनेस्थेटिक और दूसरा होता है जनरल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक में आपके शरीर का कोई भाग सुन्न किया जाता है और आप पूरी तरह होश में रहते हैं और अक्सर इसका उपयोग छोटी सर्जरी में किया जाता है। जनरल एनेस्थेटिक में आप पूरी तरह बेहोश और उपचार प्रक्रिया से अनजान रहते हैं और इसका उपयोग अक्सर गंभीर सर्जरी में किया जाता है। तो इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है कि एनेस्थेशिया क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और एनेस्थेशिया कैसे दिया जाता है, और इसके साथ आप ये भी जानेंगे कि एनेस्थेशिया से क्या क्या नुकसान होने की संभावनाएँ होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एनेस्थेशिया क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी ऑपरेशन करवाना काफ़ी तनावपूर्ण हो सकता है। अगर आपकी सर्जरी होनी है तो आपके एनेस्थेशिया को लेकर कई सवाल और चिंताएं हो सकती हैं। एनेस्थेशिया के बारे में जानने से आपकी चिंताएं कम हो सकती हैं। किसी भी सर्जरी या अन्य किसी दर्द वाली मेडिकल प्रक्रिया जैसे कि टांके लगवाना, उनसे होने वाली पीड़ा के महसूस होने को कम करने के लिए कुछ दवाओं का उपयोग किया जाता है और इसी को एनेस्थेशिया कहा जाता है। एनेस्थेशिया को इंजेक्शन या फिर मुंह के माध्यम से गैस या फिर बाष्प के रूप में भी दिया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के एनेस्थेशिया आपके तंत्रिका तंत्र को कई तरह से प्रभावित करते हुए आपकी नस के संवेग को बाधित कर दर्द को रोकते हैं। आज के समय अस्पतालों में और सर्जिकल केंद्रों पर अच्छे प्रशिक्षित पेशेवर अलग अलग प्रकार की सुरक्षित और आधुनिक दवाओं तथा अत्यंत सक्षम निगरानी तकनीक का प्रयोग करते हैं। एनेस्थेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं जो कि एनेस्थेटिक देने और प्रबंधन में विशेषज्ञता रखते हैं। एनेस्थेशिया देने के अलावा एनेस्थेशियोलॉजिस्ट आपको सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए कुछ कार्य भी करते हैं, जैसे कि सर्जरी के दौरान आपके शरीर के मुख्य कार्यों जैसे कि सांस लेना, हृदय गति और ताल, शरीर का तापमान, ब्लड प्रेशर और रक्त में ऑक्सीजन का स्तर वगैरह की निगरानी रखना, सर्जरी के दौरान कोई परेशानी आए तो उस पर ध्यान देना, सर्जरी के बाद अगर आपको किसी प्रकार का दर्द हो तो उसका प्रबंधन करना, और सर्जरी से पहले, दौरान और बाद में आपको जितना हो सके आरामदायक स्थिति में रखना। विशेष प्रशिक्षित और पंजीकृत नर्स एनेस्थेटिस्ट एनेस्थेशियोलॉजिस्ट के साथ इस काम में उनकी मदद करते हैं और ये नर्स एनेस्थेशियोलॉजिस्ट की देख रेख में या फिर कभी कभी अकेले भी कार्य कर सकते हैं और यह हॉस्पिटल पर निर्भर करता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि एनेस्थेशिया के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, लोकल और जनरल एनेस्थेटिक के साथ साथ एनेस्थेशिया के कई अन्य प्रकार भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें रीजनल एनेस्थेटिक की, तो यह एक लोकल एनेस्थेटिक होता है जो कि आपके शरीर के किसी एक भाग में जब अधिक गहरी सुन्नता की जरूरत पड़ती है तब सुन्नता और दर्द रोकने के लिए दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों एपिड्यूरल एनेस्थेटिक, तो यह भी एक प्रकार का रीजनल एनेस्थेटिक है जो कि प्रायः शरीर के आधे निचले भाग को सुन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रसव पीड़ा और बच्चे के जन्म के समय दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है। उसके बाद है दोस्तों स्पाइनल एनेस्थेटिक, तो यह भी रीजनल एनेस्थेटिक का ही एक प्रकार होता है और यह शरीर के निचले हिस्से जैसे कि आपकी रीढ़ के आधार या आपकी पीठ के निचले हिस्से में पूर्ण सुन्नता के लिए दिया जाता है ताकि इस हिस्से में सर्जरी की जा सके और इसका असर लगभग 3 घंटे तक रहता है। और दोस्तों बात करें सिडेशन की, ऐसी दवाएं हैं जिनसे आपको नींद आती है और शारीरिक और मानसिक रूप से आराम मिलता है और इनको कभी कभी छोटी दर्द वाली और अरुचिकर सर्जरी के दौरान आपको शांत रखने के लिए दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के एनेस्थेशिया को एक साथ मिलाकर भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन के बाद दर्द से राहत देने के लिए रीजनल एनेस्थेटिक को जनरल एनेस्थेटिक के साथ मिलाकर दिया जा सकता है और ऑपरेशन के दौरान आपको दर्द रहित, शांत और आरामदायक स्थिति में रखने के लिए सेडेशन भी कभी कभी रीजनल एनेस्थेटिक के साथ दिया जा सकता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि एनेस्थेशिया देने का क्या तरीका होता है या क्या प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों, आपको एनेस्थेशिया दिए जाने से पहले आपके एनेस्थेशियोलॉजिस्ट आपसे बात करेंगे और आपको कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ हिस्ट्री, आपके द्वारा ली जाने वाली डॉक्टर द्वारा दी गई या फिर ओवर द काउंटर दवाइयाँ, किसी प्रकार की एलर्जी,
एनेस्थेशिया का आपका पूर्व अनुभव वगैरह के बारे में आपसे पूछ सकते हैं और इससे आपके एनेस्थेशियोलॉजिस्ट को आपके लिए सबसे सुरक्षित दवाइयां चुनने में मदद मिलती है। एनेस्थेशियोलॉजिस्ट आमतौर पर एनेस्थेशिया आपकी बांह की नसों में सुई से देते हैं। कभी कभी सांस के साथ गैस के रूप में भी दिया जा सकता है। बच्चे जो है एनेस्थेशिया मास्क के द्वारा लेना पसंद कर सकते हैं। और एक बार जब आप बेहोश हो जाते हैं तो एनेस्थेशियोलॉजिस्ट आपके मुंह के अंदर वायु नली यानी कि विंड पाइप में अंदर तक एक ट्यूब डालते हैं और यह ट्यूब सुनिश्चित करती है कि आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे। और यह ट्यूब आपके फेफड़ों को खून और अन्य द्रव्य जैसे कि पेट के द्रव्य वगैरह से सुरक्षित रखती है। डॉक्टर आपकी वायु नली में यह ट्यूब डालने से पहले आपकी मांसपेशियों को ढीला करने वाली दवाइयाँ देते हैं और आपके डॉक्टर सर्जरी के दौरान आपकी सांस के प्रबंधन के लिए कोई दूसरा उपाय जैसे कि कंठ का हवा द्वारा खुला रखने के लिए मास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। एनेस्थेशिया देखरेख टीम की तरफ से कोई न कोई हर वक्त जब आप सो रहे होते हैं तब आप पर पूरे समय निगरानी रखते हैं और वे जब भी जरूरत पड़ती है आपकी दवाइयाँ सांस तापमान द्रव्य और ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं। सर्जरी के दौरान आने वाले किसी भी परेशानी को दवाइयाँ बढ़ाकर द्रव्य और कभी कभी खून चढ़ाकर ठीक किया जाता है। जटिल सर्जरी के दौरान कभी कभी खून चढ़ाना आवश्यक हो जाता है। एनेस्थेशिया देखरेख टीम आपकी स्थिति पर नजर रखती है और जब भी जरूरत हो खून चढ़ाती है और खून चढ़ाने से जोखिम भी हो सकता है और यह जोखिम बूढ़े लोगों में जिनके खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो या जो जटिल हार्ट सर्जरी से गुजर रहे हो उनमें अधिक होता है। और जब सर्जरी पूरी हो जाती है तो एनेस्थेशिया रोक दिया जाता है और आप धीरे धीरे होश में आ जाते हैं। आपको होश में आने के बाद थोड़ा भ्रमित या फिर नशे में होने जैसा महसूस हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे एनेस्थेशिया के साइड इफेक्ट यानी कि इसके कुछ नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों एनेस्थेटिक ऐसी कई दवाओं से मिलकर बना होता है जिनसे कि कुछ लोगों में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपके एनेस्थेटिस्ट आपको बताएंगे कि किसी एनेस्थेटिक के देने से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और इन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए क्या किया जाए। जनरल एनेस्थेटिक या रीजनल एनेस्थेटिक देने के बाद होने वाले कुछ सामान्य साइड इफेक्ट की बात करें तो उनमें है उल्टी करने का मन करना या फिर जी मिचलाना, चक्कर आना और बेहोशी महसूस होना, ठंड लगना या फिर कंपकंपी होना, सिरदर्द होना, खुजली होना, त्वचा के नीचे चोट जैसे निशान पड़ जाना और पीड़ा होना, पेशाब करने में परेशानी होना या फिर लगातार दर्द और पीड़ा होना। एनेस्थेटिक के साइड इफेक्ट आमतौर पर लंबे समय के लिए नहीं रहते हैं और यदि ज़रूरत पड़े तो उनमें से कुछ का उपचार भी किया जा सकता है। तो अगर आपको इन तरह के कोई भी साइड इफेक्ट महसूस हो या आपको उपचार के बाद दर्द हो रहा हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। पिछले कुछ वर्षों में एनेस्थेशिया देना काफ़ी सुरक्षित हो चुका है और एडवांस साधनों, दवाइयों और अच्छे प्रशिक्षण के कारण कोई गंभीर परेशानी होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो गई है। फिर भी किसी भी सर्जरी या मेडिकल प्रक्रिया के साथ किसी न किसी प्रकार की जटिलता की संभावना तो रहती ही है। अतः अपने डॉक्टर से इसके प्रभाव के बारे में चर्चा कर लें ताकि आपको कम से कम परेशानी हो और आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकें। दोस्तों ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी सूरत में किसी भी तरह की चिकित्सा की सलाह नहीं दे रहा है। आपके लिए कौन सी चिकित्सा सही है इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करके ही निर्णय लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।